कीर्ति रिधि पांडे जी, जैसा कि आलोक वत्स जी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि एक भी सत्र उठाकर देख लीजिए, विपक्ष ने चलने दिया क्या? कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेकर आए कि पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, जिसमें वो ध्यान नहीं रखते कि आम जनता का पैसा है, वो ध्यान नहीं रखते कि आम जनता का इंपॉर्टेंट टाइम है, वो ध्यान नहीं रखते कि इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने हैं। इस बार भी यही हो रहा है, जबकि सरकार कह चुकी है कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए विपिन जी, सरकार दे रही है विपनेश जी, जी विपक्ष नहीं, विपक्ष सदन चलाना चाहता है, सरकार नहीं चलने दे रही है। जवाब लेती हूं इस पर। देखिए कीर्तिदी पांडे जी, आप बोलिए। देखिए विपिनेश जी, सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाना और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार हठधर्मिता पे उतारू, सरकार विपक्ष के सवाल को लेना नहीं चाहती। सरकार में विपक्ष के लोग लगातार 267 के तहत, नियम के तहत लगातार नोटिस दे रहे हैं सरकार को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों अध्यक्ष उसको खारिज कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि LIC का पैसा किसका पैसा? ये जनता का पैसा, गरीब जनता का पैसा, 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए 1000 रुपए तक लोग जमा करते हैं LIC में रोज अपने इंश्योरेंस के नाम पे, उनका पैसा जो अडानी ग्रुप में है, स्टेट बैंक में जो पैसा उनके वहां के अफसरों का नहीं, वो जनता का पैसा स्टेट बैंक में जो जमा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर जनता का पैसा कहीं डूब रहा हो तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट कंपनी का मामला, प्राइवेट कंपनी का मामला नहीं है। और इस तरीके से विपिनेश जी, देश के तमाम राज्यों में तमाम बैंक डिफॉल्टर हुए जिसमें कंज्यूमर्स के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में कंज्यूमर के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सहारा में जिन गरीब जनता के लोगों ने पैसा जमा किया उसको सहारा से पैसा वापस नहीं मिल पा रहा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कंपनी जिसमें सरकार का पैसा लगा हो, जनता का पैसा लगा हो, अगर वो कंपनी डिफॉल्टर हो रही हो, कंपनी के शेयर गिर रहे हो, कंपनी इसमें ये कहा गया कि कीर्ति पांडे जी, LIC ने RBI को पूरी जानकारी अपनी दे दी है, बैंकों से जो जवाब मांगा गया था एक्सपोजर के बारे में भी बता दिया है, 2 दिन में फॉरेन रिजर्व जो है $8 बिलियन इसमें इजाफा हुआ है ये, और साथ ही सरकार कह रही है इकोनॉमी पर कोई असर नहीं है। विपिनेश जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर सरकार की नियत साफ है तो RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को फ्रंट पे क्यों आना पड़ा? अगर सरकार की नियत साफ है तो JPC से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में इसकी जांच क्यों नहीं करा देते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जनता भी इस देश के आश्वस्त हो जाए कि हमारा पैसा अगर LIC में है तो पैसा सुरक्षित है। नहीं, सरकार कह रही है विपक्ष अगर किसी एजेंडे के तहत कुछ भी मांग करेगा तो क्या वो संभव है? सरकार तो कृषि बिल पे भी चर्चा कराने को तैयार नहीं है, सरकार तो महंगाई पे भी चर्चा करने को सदन के अंदर तैयार नहीं है। तो जब सरकार किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार का अपना एक एजेंडा है, अपनी बात कहना है और विपक्ष की बात को नहीं सुनना है। जी, तो सरकार का शुरू से एजेंडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।